आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज़, में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। बीनागंज नगर पंचायत अध्यक्ष के दिशा निर्देश के अनुसार हिंदू नववर्ष व चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ पर भव्य चल समारोह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में निकाला गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया। चल समारोह का श्री रामचंद्र आश्रम से आरंभ किया गया, जो कि मुख्य मार्गों से होता हुआ बस स्टैंड पर इसका समापन किया गया। वहीं चैत्र नवरात्रि पर नगर में प्रमुख दुर्गा मंदिर मेन बाजार में देवी अनुष्ठान आरंभ हुआ। गोया रोड स्थित शक्ति आश्रम पर सिद्ध साध्वी सुशीला जी के अखंड ज्योति प्रज्वलित कर नवरात्रि व्रत का शुभारंभ किया। नगर से हमारे सहयोगी आरके शर्मा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद एवं दुर्गा वाहिनी द्वारा नववर्ष प्रतिपदा पर नरसिंह मंदिर पर रैली निकालकर इसका शुभारंभ किया गया। वहीं इस रैली का जगह जगह समाजजनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नगर के मुख्य मार्गों से निकाल गई ये रैली। इस रैली का समापन नरसिंह मंदिर प्रांगण में किया गया, साथ ही धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। दुर्गा वाहिनी नगर संयोजिका मोनिका राजपूत ने बताया कि दुर्गा वाहिनी की बहनें स्कूल कॉलेज छात्र छात्राओं के बीच समरसता रहे एवं बहनों को हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए। सेवा सुरक्षा और संस्कार का भाव मन में लेकर माताओं एवं बहनों के बीच दुर्गा वाहिनी की बहनें संगठन का काम करती हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित जिला अध्यक्ष श्याम ओझा, सेविका जिला अधिकारी प्रीति केवट के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वीडियो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि पहले तो हमें इस नंबर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हमें हमारे प्रोग्राम को सफल बनाया है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक जनवरी जो कि अपने जो नंबर होता है उस दिन हर इंसान कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम करने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के मस्तिष्क में है कि वो नंबर सबके लिए है, लेकिन इस नंबर को कोई मनाना नहीं चाहता। उस एक जनवरी के दिन मैंने देखा कि रात के टाइम व्हाट्सएप एपी पर लोग ऐसे वो बधाई देते हैं उसकी, जैसे किसी कोई बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। और रात को देखो कि इतने सारी फटाखे चलाए जाते हैं, इतना दिवाली को भी नहीं छोड़े जाते हैं। हम बदलते हैं, जमाने बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है कि दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई फिर से पैदा नहीं होती? अरे पैदा तो होती है, बस नाम बदल जाते हैं, राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। सिंधी समाज ने मनाया सिंधी दिवस। आज झूलेलाल जयंती के अवसर पर सिंधी समाज के तत्वावधान में मनाया गया सिंधी दिवस, जिसके चलते सिंधी समाज के सदस्यों के द्वारा आज गुरुद्वारे में प्रसादी वितरण एवं लंगर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज के युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी अनुयायी एवं समाज बंधु उपस्थित रहे। समाज की तरफ से झूलेलाल जयंती के रूप में उसका काम लंगर बनाया गया है।
नगरपालिका परिषद गुना द्वारा बजरंगगढ़ रोड स्थित पुल के नीचे लगी दुकानों का अतिक्रमण आज हटाया गया। इस मौके पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विवेक अस्टाना विशेष रूप से वहां मौजूद रहे। बता दें कि इस आरओबी के नीचे कई दुकानदार अपने दुकानों का सामान रखने लगे थे, साथ ही कई दुकानों ने यहां पर अपनी नवीन दुकानों का भी लगा लिया था, जिससे अतिक्रमण बढ़ गया था। वहीं राह चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी के चलते नगर पालिका ने सभी दुकानदारों को वहां से हटा दिया। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई कि अपनी दुकानों का सामान दुकानों के अंदर रखें, यदि किसी दुकानदार का सामान बाहर पाया गया तो उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। काफी तादाद में अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे टीआई साहब के मार्गदर्शन में हटाया जा रहा है और सामान जब्त किया गया है। दो ट्रैक्टर भरते अभी पहुंचवा दिए गए हैं, गुमटी चेली वगैरह बल्ली वगैरह ये हटाई गई है। अभी जो अतिक्रमण है उसकी कार्रवाई चल रही है अभी हटाने की, और सबके लिए हिदायत दी गई है कि अपना अपना सामान अपनी दुकानों के अंदर रखें, रोड पर बिल्कुल न रखें, चलने फिरने में सुविधा हो लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था लोगों से बनाने की अपील की गई है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ कार्रवाई की जाएगी? अभी फिलहाल यहीं का ही है आरओबी के नीचे, बाकी जैसा अधिकारी निर्देश देंगे वैसा काम किया जाए। अतिक्रमण को हटाने के तारतम्य में कैंट क्षेत्र से भी अतिक्रमण को हटाया गया। कैंट क्षेत्र से भी हटाया गया अतिक्रमण। कई वर्षों से दुकानदार अपनी दुकानें कैंट रोड पर लगाते आ रहे थे, जिसके चलते यातायात बाधित होता था एवं कई बार दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता था। इसी के चलते कुछ दिन पूर्व यातायात सुरक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाना चाहिए, जिसके चलते कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने आज कैंट चौराहे एवं कैंट के ऊपरी बाजार सहित नेहरू पार्क से भी दुकानें हटाई गईं। साथ ही उन्हें एक निश्चित स्थान पर ही दुकानें लगाने की हिदायत दी गई। सभी दुकानदारों को यह समझाइश भी दी गई कि यदि वे अपनी दुकानें निश्चित स्थान पर नहीं लगाते तो उनको अर्थदंड का सामना करना पड़ेगा। सुरक्षा सप्ताह के संबंध में कलेक्ट्रेट में मीटिंग रखी थी, जहाँ पर डीएम महोदय और एसपी साहब के निर्देशन में शहर में जो यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उसमें से एक ये भी था कि जो मटन मार्केट कैंट में डोंगापुरा पर लगता है, जहाँ पर जो मीट मार्केट इनका बन चुका है, वहाँ पर शिफ्टिंग हो। दूसरा, कैंट चौराहे में जो सब्जी के ठेले फल फ्रूट के ठेले लगते हैं, ये ऊपरी बाजार मंडी में शिफ्टिंग हो। साथ साथ नेहरू पार्क के जो आसपास जो ठेले लगते हैं वो कोर्ट परिसर के पीछे एवं पुरानी कलेक्ट्रेट के सामने जो रोड है उधर पे लगे, ताकि किसी प्रकार से यातायात बाधित ना हो और आने जाने और खरीद फरोख्त करने वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। इसी तारतम्य में सभी को कल हिदायत दी है और शिफ्टिंग कराया है, और ये यहीं पर लगेंगे ऐसा इनको सभी को समझाया है कि नियम ना तोड़ें, नियम तोड़ेंगे तो फिर इन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, उनको कहना है कि हम लोग ठेला 5-5-10 साल से लगा रहे हैं सर, हम लोग आज तक नहीं हटे। नहीं तो ये जब लगाए जा रहे थे तब यहाँ पे ट्रैफिक की इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जो मेन रोड है एक्सीडेंट होती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, तो काफ़ी कुछ रोड पे लगाने का तो कहीं प्रावधान ही नहीं है कि बीच रोड पे आप या रोड के किनारे लगाएंगे। तो सर जी, इनको अलग इनको सुचारू रूप से जब व्यवस्थित जगह दी है तो उस मार्केट में ये शिफ्टिंग करें, क्योंकि शासन ने उस जगह को निर्धारित किया है। अब हमेशा सर वहीं लगेंगे ठेले, जाने दाद की जगह बिल्कुल वहीं लगेंगे ठेले, और अगर ये नहीं लगाएंगे तो इन पर कार्रवाई होगी। साथ साथ जो सेंट्रल स्कूल के पास में जो मवेशी बाजार है वो कैंट मुक्ति धाम के पीछे,
काफ़ी बड़ा एरिया है, शासकीय जमीन है, वहाँ पर ये मार्केट लगेगा, मवेशी मार्केट, जो उनको कल रविवार को सभी को हिदायत दी गई है और यहाँ पर उनको जगह भी दिखा दी गई है। महुगढ़ा ग्राम के लोग आज पहुंचे विद्युत विभाग। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में 15 लोगों ने ट्रांसफार्मर का बिल जमा कर दिया है। सिर्फ एक व्यक्ति के बिल न जमा करने के चलते भी विद्युत विभाग ने सारे क्षेत्र की लाइट काट दी है। वहीं जब बार बार ग्रामीण इस हेतु चक्कर लगाते हैं तो कार्यालय द्वारा बता दिया जाता है कि लाइन खराब है, इस वजह से चालू नहीं हो पाई। वहीं आज ग्रामीणों ने जब ये पाया कि उनकी लाइन बंद नहीं पड़ी बल्कि काटी गई है, जिसकी शिकायत करने हेतु ग्रामीण इकट्ठा होकर प्रबंधक कार्यालय में पहुंचे। वहीं जब हमने विद्युत विभाग के जेई से बात करना चाही तो उन्होंने हमें बताया कि मार्च क्लोजिंग के होने के चलते इनकी बिजली काट दी गई है, चूंकि इन गांव वालों का बिल 1 लाख रुपए से ऊपर का बकाया है, जिसके चलते इन लोगों की बिजली काटी गई है। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि ग्रामीणों ने उन पर आरोप लगाया है कि पूरा बिल जमा कर दिया है, जिस पर जेई ने बताया कि 1 महीने बाद बिल का भुगतान किया जाता है, अभी तो इनके पुराने ही बिल की बकाया 1 लाख रुपए से ऊपर है। वहीं जेई ने हमें यह बताया कि उन्होंने ग्रामीणों से कहा है कि 60,000 रुपए अभी जमा कर दें, बाकी किस्तों में जमा हो जाएंगे, जिससे उनकी विद्युत की सप्लाई चालू कर दी जाएगी। समस्या पर है कि आखिर झूठ बोल कौन रहा है, क्या ग्रामीण गलत बोल रहे हैं या फिर विद्युत विभाग के अधिकारी। पर जो भी हो, परेशानी का सामना तो ग्रामीणों को ही करना पड़ रहा है। तारीख में बिल दे दो, 5 दिन में बिल जमा नहीं होगा, हमारा लाइट काट, बिल जाके ले लो ना, कम से कम अगले महीना बिल आया था। ये है कि जैसे मार्च क्लोजिंग तो हर जगह होता है, तो मार्च में हमारा पूरा पूरा बिल जमा करने का रहता है, लेकिन उनकी स्थिति देख के अगर वो सक्षम नहीं है कि हम पूरा बिल जमा करें, तो उनसे जितने जितने सभी कोई जितने होते हैं वो भी बिल जमा कर देंगे, तो हमारा भी मार्च का टारगेट पूरा हो जाएगा और फिर हम लाइट दे देंगे और फिर वो आगे नेक्स्ट डे पे आप आके जमा करवा सकते हैं। सर उनका कहना है 1,000 रुपए ही मांग रहे हैं आप लोगों से। नहीं तो भाई, बिल जिसका जैसे मान लो 2,000 है 3,000 है, तो हम बोले जितना होता है उतना जमा करवाओ, बिल तो भाई आपका जितना जमा करो। अच्छा, आपका कहने का मतलब जितना हो सके उतना जमा करवा दो, जमा करवा दे। नियम तो ये है कि अभी मार्च आ गया भाई, जिस बिल तो क्या होता है, हम लाइट आज जैसे कनेक्शन कोई लिया तो वो एक महीने जलाएगा, उसके एक महीने के बाद बिल आता है। बिल मतलब एडवांस नहीं, बिल तो मतलब पिछले आता है ना, समझ रहे बात। जैसे कि हमने आज कनेक्शन लेंगे, एक महीने लाइट जलाएंगे, तब जाके हमारा अगले महीने बिल आएगा। मतलब हमने हमारे जैसे 15 लोगों के ट्रांसफार्मर का बिल जमा है, एक ट्रांसफार्मर का जमा नहीं है, इस चक्कर में पूरी लाइन काट दी उन्होंने और 4 दिन हो गए। ये कहते हैं यहाँ पे आके लाइन फाइल्ड है और हमको हम गए चेक करने, वहाँ पे हमने देखा तो लाइन कटी हुई है पूरी। और यहाँ पे आए तो इन्होंने ये बोल रहे हैं एडवांस बिल जमा करो हमारे, 6 महीने में बिलाते हैं, जबकि अभी 15 दिन बकाए हैं बिल के हमने जो पिछले जमा किए थे उनके। इस बारे में चर्चा करी तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो वो बोल रहे हैं उधर से जमा करो, हम तो एडवांस ही लेंगे तभी देंगे आपको लाइट। अच्छा, और कितने दिन हो गए लाइट काटे? 4 दिन हो गए आज। एक आदमी से कितना मांगा जा रहा है? एक आदमी जैसे हमारा बिल आता है 5,000 या 4,500 रुपये, उसमें से मांग रहे हैं अभी 1,000 रुपये दो। ये कौन सा नियम है? बिल पूरा आएगा, बिल पूरा जमा करेंगे, 1,000 क्यों देंगे उसमें? हम बोल रहे हैं बिल दो हमको, लाइन मैन से बोला हमने हमारा बिल निकालो, वो बोल रहे हैं बिल नहीं आया, मैं कहाँ से दूंगा टोटल। पासखेड़ी में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक के पिता द्वारा कैंट थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई कि उनका बेटा अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा है, वहीं बाहर वाले कमरे में खून पड़ा हुआ है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा खोला तो पाया कि युवक फांसी के फंदे से लटका हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया इसको आत्महत्या ही माना जा रहा है। आज सुबह इरशाद पुत्र इंसान खान निवासी बासखेड़ी ने थाने पर रिपोर्ट की कि मेरा लड़का अंदर से गेट नहीं खुल रहा है और बाहर के रूम में खून पड़ा हुआ है। फिर मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा और पड़ोसियों की मदद से गेट खोला तो वो व्यक्ति जिसका नाम आरिफ खान पुत्र इरशाद खान था, फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और काफ़ी ब्लड डला हुआ था। फिर मौके पर FSL डॉक्टर साहब को बुलाया गया और फोटोग्राफर को बुलाया गया, उसके फोटोग्राफ्स कराए गए और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। उसके बाद थाने पर मर्ग कायम किया गया है और उसके आरिफ खान की बॉडी को जिला अस्पताल भेजा गया PM के लिए। मामला जांच में है, प्रथम दृष्टया उसने आत्महत्या की ऐसा प्रतीत हो रहा है और मर्ग कायम की जांच में दिया गया है जो भी होगा। मध्य प्रदेश सरकार से नाराज संविदा कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं। वहीं मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले आज करीब 32 विभागों के संविदा कर्मचारी एवं अधिकारियों ने एक धरना प्रदर्शन किया।
अपने धरना प्रदर्शन के पांचवें दिन भी धरना स्थल से उन्होंने एक रैली निकाली जो कि अंबेडकर भवन पर जाकर समाप्त हुई। वहीं अंबेडकर भवन पहुंचकर उन्होंने संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर को ज्ञापन सौंपा। संविदा कर्मचारी एवं अधिकारियों ने नियमितीकरण की मांग संविधान के निर्माता से की। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। ज्ञापन पढ़ के सुनाओ, ज्ञापन पढ़ के सुनाओ। श्रीमान भीमराव अम्बेडकर साहब, संविधान निर्माता भारत सरकार, विषय मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में कार्य संविदा अधिकारी और कर्मचारियों को नियमित करने एवं कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने वाला मोर्चा के तत्वाधान में आज हमारी हड़ताल का पांचवा दिवस है। चूंकि पांचवें दिवस में आज हमारा विशेष कार्यक्रम है, हम रैली निकालेंगे धरना स्थल से। रैली हम हमारे संविधान के रचयिता है वहां तक लेके जाएंगे रैली, उनको एक ज्ञापन देंगे जिससे हमारे 32 भाग के कर्मचारी जो संविधान हड़ताल पर लगे हुए हैं नियमितीकरण के लिए हम एक आवेदन प्रदान करेंगे। अम्बेडकर भवन तक जाएंगे जी, अम्बेडकर भवन तक। जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रमुख मुद्दों के तौर पर नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे कार्य एवं जनमानस की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने की बात रखी गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरह से काम करना है। वहीं आगामी समय में एक आंदोलन भी किया जा रहा है जिसके बारे में बैठक में बात की गई। साथ ही किस तरह से प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों गलत कार्यों के प्रति आवाज उठाई जाएगी इस पर भी विशेष चर्चा की गई। हालांकि बैठक में इन मुद्दों पर आवाज तो उठाई गई, ये बहुत अच्छी बात है। देखना ये होगा कि जो फैसले आज लिए गए हैं आगे जाकर उन पर कोई काम हो भी पाएंगे या नहीं, या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा जी ने कहा, मैं भी उनके स्वर में स्वर मिलाता हूँ। इस जो 15 वर्षों से जो किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, हर मुद्दों पर ये विफल रही है, इसको लेकर बड़ा आंदोलन स्थानीय मुद्दों को लेकर, किसानों को मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। तिथि और समय आपको बता दिया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी की आज की ये बैठक प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदरणीय तुलसी सिलावट जी की मौजूदगी में यहाँ आज संपन्न हुई। इस बैठक के अंदर मुख्यतः दो विषयों के ऊपर चर्चा होनी थी। एक तो जो आगामी समय में भोपाल में कांग्रेस का संभावित और प्रस्तावित जो आंदोलन है उसकी तैयारी के लिए, और दूसरा जो कांग्रेस संगठन का जो विकेंद्रीकरण किया जाना है उसके संदर्भ में आज ये चर्चा की गई। इन विषयों पर चर्चा के साथ ही हमारे प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष का जो मार्गदर्शन रहा और जो हमारे कांग्रेस के सभी सम्मानित साथियों का सुझाव के अनुरूप इस बात पे भी एक निर्णय लिया गया कि आगामी माह में किसी एक तिथि में स्थानीय समस्याओं, विशेष करके गुना की नगर पालिका से लेकर के जो गुना में इस समय सबसे ज़्यादा पानी का संकट गहरा रहा है, और जो केवल शहरी क्षेत्र से नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके अलावा कर्जा माफ़ी की जो मांग है जिसके ऊपर से बमोरी में भी आंदोलन किया गया था, बिजली के बिल माफ़ करने की बात, और बिजली के जो बिल जबरदस्त जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों पर जनता पर लाद करके अपने केवल विज्ञापनों पे और अपने प्रचार प्रसार के ऊपर जो खर्च कर रही है, इसके खिलाफ एक जन जागृति पैदा करने के लिए एक आंदोलन करने का भी निर्णय लिया गया। इसके बारे में तिथि और उसका स्वरूप क्या रहेगा इसके बारे में हम अभी कुछ समय में तय करेंगे, और आगामी माह में इस संदर्भ में निश्चित तौर पर कांग्रेस विपक्ष की अपनी भूमिका का निर्वहन अवश्य करेंगे। अध्यापक संघ के कार्यकर्ताओं को सत्येंद्र राठौर द्वारा कहे गए अपशब्दों को लेकर जिले भर के सभी अध्यापक आज हुए लामबंद। अध्यापक संघ का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि अध्यापकों की तनख्वाह तब तक ना काटी जाए जब तक उनसे पूरी बहस ना हो जाए। इसी बात की पड़ताल करने जब शिक्षा विभाग
कुछ अध्यापक पहुंचे, तभी कैंट क्षेत्र में पदस्थ लिपिक सत्येंद्र राठौर द्वारा अध्यापकों से अपशब्द कहे गए, जिस बात से नाराज होकर जिले भर के अध्यापक आज एक रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर राजेश जैन को ज्ञापन देने पहुंचे। वहीं उन्होंने लिपिक सत्येंद्र राठौर के निलंबन की बात भी कही, साथ ही जब तक सत्येंद्र राठौर का निलंबन नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है अध्यापकों के पक्ष में कि इनका वेतन जब तक न्यायालय का पूर्ण डिसीजन नहीं हो जाता तब तक इनका वेतन कम नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे की मांग को लेकर हम माननीय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में गए तो जो सत्येंद्र बाबू जो कैंट के लिपिक हैं वो वहाँ आए और उन्होंने अब शब्द बोलकर अध्यापकों को संबोधित किया और कहा अध्यापक बहुत नेतागिरी करते हैं, इनको तो मैं देख लूँगा। इसके खिलाफ आज पूरे जिले के अध्यापकों में आक्रोश है और जब तक सत्येंद्र राठौर का निलंबन नहीं किया जाता तब तक अध्यापक आंदोलन जारी रखेंगे। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट और ऐसे निरंकुश बाबू पर अंकुश लगाया जाए और अध्यापकों की समस्या को सुलझाया जाए। इसी मांग को लेकर आज ज्ञापन देने हम लोग आए। डीजाने में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।